चीन से तल्ख होते रिश्तों के बीच इस बार भाई बहन के पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन पर चीनी राखियां नजर नहीं आएगी। चीनी राखियों का बहिष्कार और स्वदेशी राखी की मुहिम जोर पकड़ने लगी है। कई संगठन स्वदेशी राखी को प्रमोट करने के लिए आगे आए हैं। व्यापारियों ने भी ग्राहकों की मंशा को भांपते हुए इस बार चीनी राखियों के बजाय स्वदेशी राखी बेचने पर जोर दे रहे हैं। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में भी बहनें अपने घरों पर ही राखियां बनाने में जुट गई है। ऐसा ही एक मामला सिवनी मालवा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में देखने को मिला, जहां बच्चियां अपने घरों में ही राखी तैयार कर रही है। उनके द्वारा बाजार से धागे और मोती लाकर अपने हाथों से राखी बनाई जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी अनन्या शर्मा का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन चल रहा है, वही भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से कोरोना संक्रमण का भी खतरा बना रहता है, जिसके चलते अपनी सहेलियों के साथ हम लोग घर पर ही स्वदेशी राखी बना रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर तो है ही एवं उसमें बहन का प्यार भी दिखाई देता है। भारत चीन सीमा पर तनाव एवं कोरोना का असर यहां के पर्व त्योहारों पर भी पड़ा है। यही वजह है कि इस बार चीनी नहीं स्वदेशी राखी की मांग बढ़ गई है। एक अनुमान के अनुसार राखी पर करीब 6000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसमें अकेले चीन की हिस्सेदारी करीब 4000 करोड़ रुपए है। राखी बनाने के लिए काम में आने वाली सामग्री जैसे धागा, मोती, फोम एवं सजावटी सामग्री चीन से आती है। चीनी राखियां सस्ती व देखने में आकर्षक होती है। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण परिवहन में हो रही दिक्कत का असर राखियों की कीमतों पर पड़ा है। व्यापारियों की माने तो राखियां इस बार 15-20% महंगी दर पर बिक रही है। जरी, धागे व मोती में पिरोई राखियों की मांग अधिक है। आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जैसे कि हम सभी घरों पर राखी बना रहे हैं, इसका यही कारण है कि इस समय कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और बाजारों में काफी भीड़ चल रही है, तो हमें हमारे बचाव के लिए इसलिए हम सभी अपने घरों पर राखी बना रहे हैं। और साथ ही साथ बाजारों में चाइनीज राखियां भी बहुत आती हैं, तो देखिए हमें हमारी स्वदेशी चीजों को अपनाना है, इसलिए हम हमारे घरों पर राखी बना रहे हैं। और मेरे सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि वो अपने स्व हाथों से राखियां बनाएं, उसमें अपना प्यार भी झलकता है। और साथ ही साथ सभी राखियां बांधे, लेकिन चाइनीज राखियां नहीं, अपने द्वारा बनी हुई राखियां या फिर स्वदेशी बनी हुई राखियां। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मेरे ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।